बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो हुकूमत एक के बाद एक शोशा छोड़ती है और ऐसा लगता है कि इंपोर्टेड हुकूमत लड़ाई के पूरे मूड में है। उन्हें इस बात का आइडिया हो गया है कि लड़े बगैर अब गुजारा नहीं है। एक और शोशा छोड़ा गया लेकिन ये बात बाहर निकल गई और इस्लामाबाद के अंदर ये बात चेमगोइयों की सूरत में बाहर निकली और हुकूमत जो प्लान कर रही थी उनका प्लान आउट हो गया। कुछ जो कानूनदान हैं उन्होंने फौरी तौर पर उसके ऊपर राय देना शुरू की, कुछ सहाफियों ने इस खबर को ब्रेक किया, लेकिन इस्लामाबाद के हलकों के अंदर आज दिन भर ये खबर चलती रही और बहुत सारे लोग इसके ऊपर तजिया करते रहे, बात करते रहे। हुकूमत अब इसके ऊपर से भाग जाए या इसके ऊपर खड़ी रहे, लेकिन ये बात तो तय है कि इसको डिस्कस किया गया है और ना सिर्फ इसको डिस्कस किया गया है बल्कि कोशिश की गई है कि इसके ऊपर अमल दरामद हो जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ या खासतौर पर आप कहें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ टकराने का एक फैसला किया हुआ है इस वक्त इंपोर्टेड हुकूमत ने। ऐसा लगता है कि हुकूमत अपने इख्तियार से तजावज करना चाहती है, ऐसा लगता है कि वो बार बार आईन शिकनी करके अदालत का इम्तिहान लेना चाहती है और अदालत लगातार रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रही है। वो सिर्फ आईन के ऊपर अमल करवाना चाहते हैं कि आईन पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान में इंतखाबात हो जाए और उसके लिए इकदाम कर रहे हैं। आज का दिन जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो बहुत अहम दिन है, क्योंकि आज के दिन जुमा है और आज के दिन पीडीएम की सबसे बड़ी जो कमजोरी है उस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुनवाई होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस महीने के आगाज में पहले हफ्ते में यह फैसला दिया था कि 10 तारीख को पैसे दिए जाएंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फंड जारी किए जाएंगे वफाकी हुकूमत की जानिब से 21 अरब रुपए, ताकि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर इलेक्शन हो सके। सिक्योरिटी का भी उन्होंने कहा था आईजी को और चीफ सेक्रेटरी को, और इसके अलावा सेक्रेटरी दिफा को भी कहा था कि फोर्सेज भी फ्राम की जाए सिक्योरिटी के लिए, इस बात को यकीनी बनाया जाए। ये तीन अहकाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिए थे, हुकूमत ने इन पर अमल दरामद नहीं किया, बल्कि अमल दरामद ना करने के अलावा बाकायदा मुस्तरद कर दिया और पैसे देने से इनकार कर दिया। अदालत में आते हैं तो कहते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास सिक्योरिटी का बंदोबस्त नहीं है, पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं है, ना मईशत के हालात अच्छे हैं और ना सिक्योरिटी के हालात अच्छे हैं, इसलिए हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। अदालत में आकर ये मौकिफ ज्यादा आगे रखते हैं, लेकिन जब वो जाते हैं अपने सियासी ऐवानों के अंदर तो वहां जाकर कहते हैं नहीं, पूरे मुल्क में इलेक्शन एक साथ होने चाहिए, वहां पर ये वाली बात आगे नहीं रखते। देखिए, पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन करवाना आपकी सियासी ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन आईनी नुक्ता नजर से ये दुरुस्त नहीं है। यानी आईनी कहता है कि जहां पे असेंबली तहरीर वहां पे इलेक्शन, ये कोई आईनी कंपल्शन नहीं है कि पूरे पाकिस्तान में एक साथ इंतखाबात होंगे, आईनी तकाजा नहीं है। आईन ये कहता है कि 90 रोज में इलेक्शन हो जाएंगे जो भी असेंबली तहरीर होगी, लिहाजा इलेक्शन तो करवाने पड़ेंगे। अब ये आपकी सियासी ख्वाहिश या सियासी जरूरत तो है, आईन का तकाजा नहीं है, तो अपनी सियासी जरूरत को आईन करार देना ये गलत है और आईन शिकनी करना उससे बड़ी गलती है। लगता है कि शहबाज शरीफ साहब यूसुफ़ गिलानी वाले अंजाम से दो चार होना चाहते हैं। वैसे तो मुझे लगता है कि उनकी जो भतीजी हैं मरियम नवाज साहबा और नवाज शरीफ साहब, वो शायद पूरे दिल से चाहते हैं कि शहबाज शरीफ नाअहल हो जाए और शहबाज शरीफ की नाअहली की सूरत में एक कुर्बानी मिल जाए पीएमएलएन को, जिसको बुनियाद पर रखे, यानी शहबाज शरीफ साहब की सियासी लाश को वो गलियों में घसीट के वोट मांगे और शहबाज शरीफ साहब को दिखा दिखा कर वो वोट की भीख मांगे लोगों से कि जनाब ये देखो हमारा बंदा मार दिया। यानी एक गिमिक है कि किसी तरह कोई हमदर्दी जागे लोगों के अंदर और हम विक्टिम बने, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को इस चीज से बचना चाहिए, उनका एक सियासी करियर है और वो उसके साथ ना खेलने दें किसी और को। बहरहाल ये लड़ाई इनके गले पड़ जाएगी और नहीं उतरेगी, उसकी वजह मैं आपको बताता हूं कि कहा यह जा रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या जजेस की जो उम्र है उसके अंदर कमी कर दी जाए, यानी इस तरीके से अर्ली रिटायरमेंट हो जाए या इस तरह की चीजें हो जाए। मौजूदा हुकूमत एमओ की जन्नत में रहती है, ये अज़र सिद्दीक साहब ने लिखा, ना तो चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत कम कर सकती है और ना ही किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को 65 साल से कबल रिटायर किया जा सकता है, आईन का आर्टिकल 179 हाजिर है। सिद्दीक जान जो कोर्ट्स को रिपोर्ट करते हैं, ब्यूरो चीफ है एक बड़े टीवी चैनल के, बोल न्यूज के, उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की मुद्दत मुलाजमत आईन में दर्ज है, कानून साजी के जरिए इसमें कमी मुमकिन नहीं है। आईन में तरमीम के लिए 228 वोट्स चाहिए, जबकि इस वक्त कौमी असेंबली में लोटों को मिलाकर भी 228 बंदे टोटल नहीं बनते, ये उन्होंने भी इस बात का इजहार किया। अब जरा आर्टिकल 179 आप पढ़ लीजिए, इसको आईन में तरमीम करके बदला जा सकता है, वैसे कानून साजी इस पर नहीं हो सकती। A judge of the Supreme Court shall hold office until he attains the age of 65 years unless he sooner resigns or is removed from office in accordance with the constitution. Okay ji, jo Supreme Court of Pakistan ke judge hain wo office mein rahenge, apne daftar mein maujood rahenge, apni job par rahenge 65 saal ki umar tak, jab tak ki wo khud pehle koi istifa nahi de dete ya unhe hata nahi diya jata aaine Pakistan ke mutabik, yahi do soorte hain. Aisa nahi ho sakta ki aap unhe 65 saal se pehle unki muddat kam kar de mulazmat ki ya unki jo वो जज हैं उनकी मुद्दत कम करके उनको वक्त से पहले रिटायर करते, हो नहीं सकता। आर्टिकल 179 बड़ा क्लियर है रिटायरिंग एज के मुतालिक। दूसरी जानिब हुकूमत की एक बहुत बड़ी साजिश जो थी उसको नाकाम बना दिया है और उसके सामने एक बंद बांध दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, क्योंकि जब रात को फैसला जारी हुआ कल वाली समाअत के हवाले से, जिनमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह केस सुना था कि क्या पार्लियामेंट जो इख्तियार वापस लेने जा रही है या इख्तियार कम करने जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, ये एक्ट ठीक है या गलत है, उस पे जो सुनवाई हुई उसके बारे में इब्तदाई तौर पे जो फैसला जारी हुआ है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। अगली सुनवाई के लिए नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। अदालत उज़्मा में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने की थी।
अब सुप्रीम कोर्ट का जो तहरीरी हुक्मनामा है वो क्या कह रहा है। बज़ाहिर मुजव्वज़ा कानून से अदलिया की आजादी में मुदाखलत की गई। मुकदमे की समाअत के बाद अदालत उज़्मा के 8 रुकनी लार्जर बेंच ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर आज की अदालती कार्रवाई का हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने मुजव्वज़ा बिल के एक्ट बनने के बाद अमल दरामद को रोक दिया है। यानी अगर इस बिल के ऊपर ये एक्ट बन भी जाता है फिर भी इस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। अब शबाशी साहब इस इंतजार में बैठे हुए थे कि जैसे ही ये जाएगा वहां पे बिल ऐवान सदर में, 10 दिन गुजरेंगे, सदर ने दस्तखत ना भी किए तो ये बिल एक्ट बन जाएगा। लेकिन अब अगर ये एक्ट बन भी जाता है तो इस पर अमल दरामद नहीं हो सकता और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियार में मुदाखलत नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास सो मोटो का इख्तियार भी रहेगा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास बेंच बनाने का इख्तियार भी रहेगा और बाकी इख्तियार भी वैसे ही रहेंगे। इसको जरा आप थोड़ा सा समझें कि हमारे वो सहाफी दोस्त जो इस वक्त अदलिया के ऊपर चढ़े हुए हैं, चढ़ाई की हुई है, छोटी छोटी चीजों को नोट करके रिपोर्ट कर रहे हैं, ये हमारे वही दोस्त हैं जो माजी में इफ्तिखार चौधरी साहब की ड्यूरेशन में बड़ी छलांगे मार मार के खबरें दिया करते थे और उनके अजीबो गरीब सो मोटो नोटिस को बड़ा ग्लोरीफाई करते थे और झूम झूम कर मथा सराई किया करते थे, इनके बीपर सुनने वाले होते थे इन साफियों के। मगर आजकल ये बड़े बदमजा हो रहे हैं क्योंकि आजकल इनको मजा नहीं आ रहा। रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन हमारे साफी दोस्त भी कुछ बड़े बदमजा हैं। लेकिन ये सारे वही हैं जो इफ्तिखार चौधरी साहब के दौरे बड़े खुश थे। और आप ये भी देखें कि पीएमएलएन जो है बतौर पार्टी इफ्तिखार चौधरी साहब के दौरे बड़ी खुश थी और आज बतौर पार्टी पीएमएलएन खुश नहीं है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मुस्लिम लीग नून जिन जजेस से खुश होगी, ये साफियों का ग्रुप भी उन्हीं जजेस से खुश होगा। मुस्लिम लीग नून जिन जजेस से बदमजा होगी, ये साफियों का ग्रुप भी उन्हीं जजेस से बदमजा होगा। तहरीरी हुक्मनामा जो आया है उसके अंदर ये कहा गया है कि एक्ट बनने के बाद अमल दरामद रोक दिया जाएगा। अदालत ने कहा कि बज़ाहिर मुजव्वज़ा कानून से अदलिया की आजादी में मुदाखलत की गई है, सियासी जमातें चाहें तो केस की कार्रवाई का हिस्सा बन सकती हैं। लार्जर बेंच ने यह भी कह दिया और अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल, उनको नोटिस जारी कर दिए हैं और कहा कि सियासी जमातें चाहें तो कार्रवाई का हिस्सा बन सकती हैं। और इस ज़मन में लार्जर बेंच ने मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, जेयूआई, एमक्यूएम, बीएपी, काफ लीग, एमक्यूएम जो दूसरी है वो, और बलूचिस्तान अवामी पार्टी को भी नोटिस जारी कर दिए हैं। यानी पॉलिटिकल पार्टीज को नोटिस जारी कर दिए गए हैं और अदलिया की आजादी में बराह रास्त मुदाखलत की इजाजत नहीं दी जा सकती, एहतियात के लिए हुक्म जारी करने की जरूरत है, मौजूदा केस में अदलिया की आजादी की तबाही का खदशा है, क्या मुकन्ना के पास सुप्रीम कोर्ट के कानून में रद्दबदल का इख्तियार है, वाजे होना जरूरी है कि पार्लियामेंट आर्टिकल 191 में दिए गए इख्तियारात में रद्दबदल का इख्तियार रखती है या नहीं रखती, और अदालत की प्रैक्टिस और प्रोसीजर में रद्दबदल ख्वाह कितना ही जरूरी हो अदलिया की आजादी को मुतासर करता है, मुजव्वजा बिल या एक्ट को आइन के मुताबिक होना चाहिए। 2 मई तक के लिए इस समाअत को मुलतवी कर दिया गया है, यानी 2 मई तक के लिए तो यह मामला गया। 14 मई को वैसे भी इलेक्शन आ रहा है और देखना यह है कि आज के दिन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले को कैसे उठाती है। यानी सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन वहां पर आकर जवाब देगा। मैं आपको पहले बता देता हूं, इलेक्शन कमीशन कहेगा जी हमने तो आपके हुक्म के मुताबिक पूरा का पूरा प्रोसीजर फॉलो किया और जाके शेड्यूल बना लिया, अब हुकूमत हमें पैसे नहीं दे रही, सिक्योरिटी नहीं दे रही। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सबको बुलाया हुआ है, परसों से ये नोटिस जारी किए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पूछेगी जी दे पैसे इनको क्यों नहीं दे रहे आप, क्या जवाब है वजीर खजाना के पास, क्या जवाब है सेक्रेटरी खजाना के पास, क्या ये इतने ज्यादा पैसे हैं? क्या वहां खड़ा होकर कोई ये कह सकता है कि आईने पाकिस्तान 90 रोज में इलेक्शन की इजाजत नहीं देता? सबको कहना पड़ेगा कि इलेक्शन 90 दिन में होना चाहिए, आईने पाकिस्तान ये कहता है, लेकिन बहाना क्या लगाएंगे, ये बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ धमकियां लगाना अभी तक जारी है। यानी आजम नजीर तारर साहब ने कहा कि इदारे हद में रहे, हुकूमत को रिट मनवाना आती है, हमें 2 नहीं 1 सुप्रीम कोर्ट चाहिए, इल्तजा करते हैं कि इदारे अपनी हद में रहें। अच्छा इस किस्म की बातें हम कर रहे हैं, थोड़ा धमकी हमें रवैया है, लेकिन मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी बहुत ठीक है। उस पॉलिसी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सिर्फ अपने फैसले दे रही है और अपना कानूनी काम कर रही है, बजाय इसके कि ये जो बाहर से किया जा रहा है या जिस किस्म की चीजें उछाली जा रही हैं उनमें से किसी चीज के ऊपर अदलिया जो है वो बराह रास्त टकराना नहीं चाहती, वो टकराव नहीं चाहती। एक अफसोसनाक खबर जो कल आई, मैं चाहूंगा उसके ऊपर मैं बात जरूर करूं, कि इमरान खान साहब की वालदा शौकत खानम मरहूमा को इंतकाल फरमाए बहुत साल हो गए हैं, बहुत लंबा अरसा हो गया है। आज इमरान खान साहब की अपनी उम्र 70 साल से ज्यादा है, तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के जमान पार्क वाले घर को लग्जरी हाउस का टैक्स नोटिस अरसाल किया गया है और वो नोटिस जो है वो इमरान खान साहब की वालदा मरहूमा शौकत खानम साहिबा के नाम पर भिजवाया गया है। अब आप यहां से अंदाजा कर लेंगे किस कदर दुश्मनी की फजा इस वक्त पाकिस्तान में कायम की गई है कि शौकत खानम साहिबा इस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं है और शौकत खानम साहिबा के नाम पर नोटिस जारी किया गया है। ये बात सारी दुनिया जानती है क्योंकि शौकत खानम साहिबा के नाम के ऊपर पाकिस्तान में अस्पताल काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों का इलाज होता है, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। पहले इमरान खान साहब की एहलिया के ऊपर अटैक किया गया है और लगातार वो भी हमले किए जा रहे हैं और दूसरी जानब अब मरहूमा शौकत खानम साहिबा के ऊपर भी अटैक किया गया है। ये चीजें इंतहाई काबिले मुसम्मत हैं और इनकी सियासत में गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि मियां नवाज़ शरीफ साहब के लिए एक नई मुसीबत पैदा कर दी है और वो फवाद चौधरी साहब ने पैदा की है। वो खबर मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले मियां नवाज़ शरीफ साहब उम्र की सआदत हासिल करने के लिए इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद है और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत थोड़ा सा फासला है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान, मियां साहब वापस इतनी दूर जाने की बजाय सऊदी अरब से पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे और अपने घर वापस आएंगे। कानून को उनकी जरूरत है, अदालतें उनकी राह तक रही हैं, वो चंद हफ्तों का वादा करके गए थे, आज 4 साल गुजर गए हैं, मियां साहब वापस आने का नाम नहीं ले रहे। उम्मीद करते हैं कि मियां साहब इतना करीब आने के बाद पाकिस्तान से दूर नहीं जाएंगे बल्कि पाकिस्तान आ जाएंगे। जद्दा एयरपोर्ट से लेकर लाहौर में अगर वो उतरते हैं तो ये फासला इतना कम है कि आप इस्लामाबाद से लाहौर मोटरवे पर सफर करें तो इससे भी कम वक्त लगता है,
तो उम्मीद है मियां साहब वापस पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे अपनी फैमिली के साथ। वैसे भी पाकिस्तान में उनके भाई की हुकूमत है, अब उनको आ जाना चाहिए, लेकिन देखना यह होगा कि मियां साहब फैसला पाकिस्तान के लिए करते हैं, अपनी पार्टी के लिए करते हैं और कानून की हुक्मरानी के लिए करते हैं, या आज फिर मियां साहब फैसला अपनी जात के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने जाति मफाद के लिए करते हैं। अगर तो मियां साहब अपने जाति मफाद के लिए फैसला करेंगे तो फिर तो बहुत मुश्किल है उनका पाकिस्तान वापस आना। लेकिन अगर वो पाकिस्तान वापस आते हैं, अदालतों के सामने कानून का सामना करते हैं, वापस आने के बाद दोबारा वहीं से अपनी जेल शुरू करते हैं, तो ये एक बड़ा खुशआइंद मामला होगा और इससे पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को और पाकिस्तान के अंदर पीएमएलएन की सियासत को भी फायदा पहुंचेगा। अच्छा, अब मियां साहब के बारे में जो खबर है वो ये है कि फवाद चौधरी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त दायर कर दी है। दरखास्त नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में जारी केस में फरीक बनने के लिए दायर की गई है, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ और रियासत को फरीक बनाया गया है। फवाद चौधरी ने मौके पर इख्तियार किया है कि नवाज शरीफ की खराबी सेहत के बाद शहबाज़ शरीफ उनके बैरून मुल्क जाने के ज़ामिन थे। नवाज शरीफ मफरूर हैं, मुजरिम हैं, अदालतों को मतलूब है। शहबाज शरीफ को जामिन के तौर पर नवाज शरीफ को मुल्क में वापस लाना था, लेकिन उन्होंने नवाज शरीफ को सफारती पासपोर्ट जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने केस में फरीक बनने की मेरी दरखास्त मुस्तरद कर दी। फवाद चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की कि लाहौर हाई कोर्ट को हुक्म दिया जाए कि नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने की इजाजत के केस में मुझे फरीक बनाया जाए। तो फवाद चौधरी साहब ने नवाज शरीफ साहब के लिए मुश्किल पैदा कर दिया है। दूसरी जानी हुकूमत लगातार अली अमीन गंडापुर से बदला ले रही है और अली अमीन गंडापुर को पहले एफआईआर की जाती है, उनको सील कर दिया जाता है, फिर मंजरे आम पे लाया जाता है। अब भक्कर के अंदर राहदारी रिमांड के ऊपर भिजवाया गया है और दो दिन का रिमांड भक्कर में भी अली अमीन गंडापुर के साथ लिया जाएगा और उसको मजीद तंग करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मैंने एक चीज नोट की है, जिस भी आदमी को गिरफ्तार किया गया, उसको मारा गया हो, टॉर्चर किया गया हो, ग्रिल किया गया हो, परेशान किया गया हो, बाद लोगों को नंगा भी किया गया, बाद लोगों को करंट भी लगाया गया, बाद लोगों को थर्ड डिग्री टॉर्चर किया गया, लोगों को सोने नहीं दिया गया, दहशतगर्दों की तरह उनके सरों पे कपड़े डाले गए, लेकिन मैंने एक चीज नोट की कि जिस जिसके साथ ये सारा जुल्म हुआ, जिस जिसके साथ ये सारी फरसाइत हुई, वो सारे लोग पहले से ज्यादा ताकत से इमरान खान के साथ खड़े हुए। कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं है जो इमरान खान को छोड़ के भाग गया जुल्म सहने के बाद। आप शहबाज गिल को देख लें, वो पहले से ज्यादा मजबूती के साथ खड़ा। आजम सवाती साहब को देख लें, वो एक बिल्कुल अलग शख्सियत और करेक्टर बन के सामने आए। आप बाकी जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनको देख लें, आप अभी आप निकाले अदलम शवानी क्या कह रहे हैं उनको देख लें, वो एक नौजवान है और उसको उठाकर ले गए थे और उसको बिला वजह वहां पे कैद रखा और उसके हर तरह के टेस्ट किए गए। अब वो छूट कर आया, क्या वो बातें नहीं करेगा? वो कर रहा है। तो कोई भी आदमी पीछे नहीं भागा, लोग खड़े हो गए और ये बात शायद समझ नहीं आ रही किसी को। वो अली अमीन गंडापुर को जब छोड़ेंगे ना तो 6.5 फुट के आदमी को 60 फुट का करके छोड़ेंगे। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी लाभ।